ये कहानी है राम और श्याम के करियर से रिलेटेड। राम और श्याम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही दोस्त एक कोर्स को करने का फैसला करते हैं। उन्हें पता है एक कोर्स को करने के बाद उनके पास में एक डिग्री होगी जिसके थ्रू भविष्य में उन्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी और उनका जो करियर है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और दोनों ही दोस्त उस कोर्स को करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर राम और श्याम में एक छोटा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है थिंकिंग का। जो श्याम की थिंकिंग है वो थोड़ी सी अलग है राम की थिंकिंग से। श्याम सोचता है कि मैं इस कोर्स को तो कर ही रहा हूँ, क्यों ना मैं एक साइड बाय साइड कुछ ऐसा सीखूं, किसी एक स्किल को एक्वायर करूं जिसे सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है और जिस स्किल को सीखने के बाद भविष्य में मेरे करियर में मेरी बहुत अच्छी हेल्प हो पाए, और इन केस अगर मेरी किसी कारणवश जॉब चली भी जाती है या मान लो जिस सेक्टर में भी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर जॉब करते हुए मुझे मज़ा नहीं आता उस सेक्टर में, तो मेरे पास में एक ऑप्शन होना चाहिए, मेरे पास में एक बैकअप प्लान होना चाहिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्विच करने के लिए। अब श्याम अपने उस कोर्स को करते हुए साइड में एक और स्किल को सीखना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद राम और श्याम दोनों का ही कोर्स खत्म हो जाता है और फॉर्चुनेटली उनकी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है विद अ वेरी गुड सैलरी पैकेज। कुछ सालों तक काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद एक समय ऐसा आता है कि उनके सेक्टर में काम आना बंद हो जाता है, उनकी कंपनीज के पास में अब काम आना बंद हो गया है, और जब कंपनीज के पास में काम नहीं आएगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे देगी। तो ऐसे में कंपनीज ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया, यानी कि कंपनीज ने अपने एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया और अनफॉर्चुनेटली राम और श्याम दोनों की जॉब चली गई। अब श्याम जिसने ऑलरेडी अपने कोर्स के साथ में एक एडिशनल स्किल को सीखना शुरू कर दिया था उसने इमीडिएटली एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्विच कर लिया। श्याम जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था जितना सैलरी पैकेज उसको उस कंपनी में मिल रहा था उतना सैलरी पैकेज उसको नए सेक्टर में नहीं मिला, लेकिन श्याम के अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि मेरे पास में काम है, मेरे पास में जॉब है और मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे सैलरी मिल रही है जिससे मेरे जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। और श्याम को ये बात अच्छे से पता है कि जब वो दूसरे सेक्टर में जॉब करेगा काम करेगा तो उसे उस सेक्टर में काम करते हुए एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है आज के समय में। अगर आपको अच्छी जॉब लगानी है अच्छे सैलरी पैकेज पे तो एक सेक्टर में अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब राम के साथ में क्या हुआ, राम सिर्फ एक ही ऑप्शन पर डिपेंडेंट था, एक ही डिग्री पर डिपेंडेंट था और वो सिर्फ अप्लाई कर रहा था अलग अलग कंपनीज में अपने ही सेक्टर में। अनफॉर्चुनेटली कई महीनों तक राम को जॉब नहीं मिली। अब हर इंसान के अपने बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, घर का रेंट, बच्चों की फीस, लोन लिया है कार का लोन, घर का राशन। तो राम ने कई सालों तक मेहनत करके जो सेविंग की थी अपनी वो सारी की सारी सेविंग अपने बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा करने में लगा दिया। राम की सारी मेहनत की कमाई उसके सारे बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा करने में ही निकल गई। तो ये जो राम की स्टोरी है वो अभी करोड़ों लोगों की स्टोरी बन गई थी बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, और लाखों लोगों की अभी भी है। तो इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें एक इनकम सोर्स पर, एक डिग्री पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज के इस अनसर्टेन टाइम में हमें लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहना होगा, नई नई स्किल्स को एक्वायर करना होगा, हमें लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो हम अपने आप को, अपनी फैमिली को अच्छे से कवर कर पाएं।